नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के रीवा में विकास पुरुष की विनाश लीला, दबंग इंजीनियर दे रहा विधायक के नाम की धमकी। रीवा रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत कोष्टा गांव में हाई टेंशन तार खींचा जा रहा है, जिसको दिलीप बिल्डिंग कौन द्वारा पूर्व में गड़वाए गए खम्भे के ऊपर से ही उक्त हाई वोल्टेज का तार खींचा जा रहा है। मंदिर के गुम्बद के ऊपर से गुजर रहा है तार। हिंदू आस्था का केंद्र है मंदिर, प्राइमरी विद्यालय भी आ रहा तार की जद में, किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। कोष्टा प्राइमरी विद्यालय के ऊपर से भी उक्त संदेहास्पद कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही की किसी को कोई जानकारी नहीं है कि आखिर विकास पुरुष का यह कौन सा नया विकास शुरू हो रहा। मंदिर के पुजारी को भी इंजीनियर ने सुनाई खरी खोटी। कोष्टा स्थित कलिका मंदिर के गुम्बद के ऊपर से उक्त लाइन खींची जा रही है। मंदिर के पुजारी दिनेश त्रिपाठी ने जब इस बात का विरोध किया कि मैं मंदिर की सफाई करता हूं, किसी दिन तार टूट गया तो कई जाने जा सकती हैं। जवाब में ठेकेदार व इंजीनियर आरएम मिश्रा ने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक के नाम की धमकी देने लगा। एलआरएम मिश्रा का कहना है कि यह राजेंद्र शुक्ला जी का काम है, आप उनके निज सचिव राजीव तिवारी से बात करिए। जब हमारी टीम के संभागीय ब्यूरो ने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि मंदिर से किनारे करवा कर लाइन खींचने बाबत में निर्देशित कर दूंगा, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आरएम मिश्रा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री जी या उनके निज सचिव नहीं कहते, मैं ऐसे ही करूंगा। विकास पुरुष की छवि धूमिल करने में लगे हैं उनके ही मातहत। रीवा के विकास पुरुष की छवि को दागदार करने में उन्हीं के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोष्टा में भी और भुंडहा में भी विकास पुरुष का दबदबा है। भुंडहा में इनके भाई की राइस मिल है। उक्त मिल सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भी कार्यरत है। आखिर ऐसा कौन सा कानून है कि जनता को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में प्रताड़ित किया जाए। रीवा रायपुर करचुलियान संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। सर ये बताएं जी, ये जो हाई टेंशन लाइट जा रही है आपके स्कूल के ऊपर से जी, इसमें आपको प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? प्रॉब्लम अभी तो लाइन चालू नहीं हुई है, जब ये लाइन पोल खड़े हो रहे थे जी, तो मैंने ठेकेदार से संपर्क किया था और कहा था कि यहाँ स्कूल के ग्राउंड के ऊपर से, मतलब छत बगल से आंगन से हाई टेंशन लाइट आप ना निकाले जी, इसको बदल दें। उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नीचे जाल ला देंगे। तो हमने ठेकेदार साहब का नंबर दिया जी, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस समय अभी वहाँ पर हूँ, रायपुर में हूँ, मैं लौट करके आपसे मिलता हूँ और ऐसा नहीं होगा जी, ये लाइट वो कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सुनने में ये आ रहा है कि हाई टेंशन लाइट जो है ये चालू हो गई है, चालू हो जाएगी, क्योंकि आज दिन में बिजली बंद है जी, और इससे किसी को भी करंट कभी भी लग सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ों में जैसे कदम वगैरह किनके फल लगे रहते हैं, तो बच्चे कभी कभी छत में भी चढ़ जाते हैं जी, छत में चढ़ेंगे तो इनको करंट लग सकती है जी, क्योंकि ऐसा भी सुना जाता है कि हाई टेंशन लाइट 5 फीट नीचे से ही माने करंट लग जाता है। ये आपके स्कूल के सेंटर से गया है? हाँ, सेंटर से। और यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी है? हाँ, बिल्कुल। और 1 से 8 तक विद्यालय भी चल रही है, संचालित हो रही है जी, जी। तो इसमें तो बहुत सारी दिक्कत आएंगी। हाँ, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी जी। तो आपने शिकायत की कहीं? हाँ, मैंने ठेकेदार से बात की जी, नंबर दिया, लेबरों ने जो काम कर रहे थे तार खींच रहे थे जी, ठेकेदार ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हो गया है क्योंकि लाइट अगर लाइन चालू हो गई और भविष्य में ऐसी घटना घट गई, अनहोनी हो गई, तो फिर क्या होगा? क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, बच्चों का नुकसान होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे? कोई सुनने वाला तो है नहीं, इसलिए अगर संभव हो तो हम लोग ये प्रयास में है, हम चाहते हैं आपके द्वारा कि इस लाइट को डिस्कनेक्ट करा दिया जाए जी, रोड के किनारे से खींचा जाए, विद्यालय प्रांगण के अंदर ये लाइट न रहे। मैडम, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत है, क्योंकि ये 1 से 8 तक है जी। कुछ हाई टेंशन से हट के है, कुछ उससे उसके अंडर भी आ रहा है, और ग्राउंड तो फुल्ली उसके अंडर में है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये करना चाहेंगे कि हम लोग की तो सबका ये है कि हाई टेंशन तार को बिल्कुल हटाया जाए, और यदि कलेक्टर महोदय हम लोगों की परेशानी को सुन लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गांव है और गरीब तबके के लोग बच्चे यहाँ पे हैं। यदि मान लीजिए कुछ हो जाता है तो इनका
कौन इनका मुआवजा देगा और क्या कैसे होगा, कैसे ही लोग मतलब फिर आगे वो करेंगे सर्वाइव। और साथ साथ हम लोग तो नहीं है यहाँ पर, पेड़ भी बड़े होते गए हैं और अधिकतर बच्चे आधी छुट्टी में खेलने के चक्कर में छत पे चले जाते हैं जी, है ना, या बॉल चली गई या कुछ लेना है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए लोगों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का तो रहता है कि लोगों को डांटे और मना भी करते हैं, लेकिन बच्चे तो हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। इसलिए आपके द्वारा यदि ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं ग्राउंड में, ग्राउंड के ऊपर से ये जो तार गया है कि खतरे की निशानी है, इसको हटाया जाए, हम लोग भी सब ले जाएंगे जिससे असुविधा ना हो, इसको कहीं और से ले जाए जी। जी मैडम मैम लोग बताती, नहीं तो बच्चों की परेशानी नहीं है जी। तो आप ये चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से हटाई जाए और रोड के किनारे शिफ्ट की जाए ताकि ये बच्चे नौनिहाल सुरक्षित रहे जी। बहुत पावर वाली ये लाइन है, इसको कहते हैं कि मतलब 5 फीट के पास से खींच लेती होगा जी, इससे ही हम लोग भी सतर्कित हैं। और अभी भी वो पेड़ों की जो डालियां हैं उसको छूने को ही है, तो करंट नीचे पेड़ में ऑलरेडी आ ही जाएगा, वहीं पे नीचे बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, भाई लोग भी हम लोग भी निकलते हैं वहाँ से, तो सबको खतरा है जी जी जी। तो उसको वहाँ से तो बिल्कुल प्रांगण से अलग करना जरूरी जरूरी। तो बच्चे लोग आप बताओ कि ये लाइन हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होगी और ये ग्राउंड में है वो खेलने में भी दिक्कत होगी, है ना। तो आप लोग सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि ये लाइन हटे कि ना हटे? आप चाहते हैं ये लाइन हटे? यस सर। चलो ठीक है।